नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय काशी धरती वाराणसी में मौजूद है, ऑटो रिक्शा पे सवार हैं। तो मैं ऑटो रिक्शा वाले भाई से बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव आ गया है तो भाई साहब, अभी तो चुनाव आ गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है और तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब तक उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बताया तो आप क्या रोड बनाए, अच्छा खासा पानी की व्यवस्था किए, बिजली की व्यवस्था किए, गैस में संशोधन किए, उनका कार्यकाल अच्छा लग रहा। बस पब्लिक थोड़ा सा महंगाई से इनकी छोड़ रहे, महंगाई तो किसी का गवर्नमेंट का समस्या रहेगा। अच्छा, गैस की बात की तो बहुत लोग बोलते हैं कि गैस बहुत महंगा हो गया, पहले 600-700 मिलता था, आज 1100-1200 था, अभी घटा दिए, अभी 800 कुछ रुपया हो गया। तो सब्सिडी मिलती है कि नहीं आपको? सब्सिडी बराबर नहीं मिलती है। अभी हम लोग जिस चल रहे हैं, रोड बहुत खराब है, रोड खराब इसलिए है कि रोड अच्छा बनवा रहे हैं। भाई कोई अच्छा काम होगा तो उसके लिए थोड़ा सा भी तो झेलना ही पड़ेगा, तोड़ फोड़ से गाड़ी झेल घर में कोई शादी विवाह पर जाता है तो रोड बड़ी होता है। सरकार इतना विकास कर रहा तो भाई को तो अधिक समस्या झेलना ही पड़ेगा। तो अभी लोकसभा तीसरी बार लड़ रहे हैं मोदी जी, तो क्या रहेगा माहौल? माहौल अच्छा है उनका, चुनाव जीत जाएंगे तो वोट दिए और उनको हराने वाला कौन नहीं है, कैसे आ रहे हैं? जबकि तो मोदी को हराने वाला कोई नहीं है, बनारस बनारस में तो उनके लिए जिंदाबाद है। तो क्या मोदी जी ने क्या दिखाई देता है कि आप लोग एकदम झूम के वोट कर देते हैं? देखो, हम लोग बड़े कास्ट के हैं। अच्छा, पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हूँ। अच्छा, हम लोगों का बड़े कास्ट में, हम लोग बीजेपी कांग्रेस में रहते हैं। तो आप ये बड़े कास्ट में है, मुझे बीजेपी को अच्छा लग रहा है। अयोध्या भी बनवाया जो 370 रहा है, सब कुछ किए हैं, तो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो 370 का नाम लिए तो बात अलग है, लेकिन बात हो गई अयोध्या मंदिर की। बोलते हैं कि मंदिर से विकास क्या होगा, उससे रोजी रोटी तो मिलेगी नहीं। विकास यह है कि जैसे अन्नमलाई का जो लफड़ा था, मैं क्या समझता, वो क्लियर हो गया। इतना दिन का छड़ा जो बहुत था, जो समस्या संशोधन हो गया, इसके बाद रोजी रोजगार भी इसमें बढ़ेगा। जो दुकान डालेंगे, गाड़ी टर्न ओवर करने वाले हैं, उनके लिए तो भाई बढ़ेगा ना रोजी रोजगार। तो मैं आपको कहने का मतलब कि जहाँ रोड बनेगा मंदिर को लेकर, एयरपोर्ट बना है, आप बनना चाह रहे हैं, जो मान लो सीमेंट हो, सलिया बिकेगी तो सब रोजगार में ही, रोजगार में होगा बहुत बराबर। तो अगला मुद्दा क्या रहेगा? कांग्रेस की तरफ जो इंडिया गठबंधन बना है, तो एनडीए पर भारी पड़ेगा मोदी जी? कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब यही समझ लिए एक ईमानदार को कई बीमार लपट के हराते हैं, तो इसी मोदी जी को हटाने के लिए सब लोग लपते हैं, बस कि उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अभी मोदी जी का बोल रहे की ईमानदार और बाकी लोग बेईमान जैसे है, तो कैसे बेईमान? जैसे हम अच्छा काम कर रहे हैं, आज का समय पर ये सच है, जो अच्छा काम करता है उसके पीछे 10 आदमी या 4 आदमी 5 आदमी मिलकर उसको डिस्टर्ब करते हैं या परेशान करते हैं, वही हर है। एकदम को हराने के लिए सब कुछ लपटेंगे कि किसी तरह से हराएंगे अपने। अभी आप ऑटो जो चला रहे हैं, तो आप नहीं कहते हैं कि भाजपा सरकार सीएनजी पेट्रोल महंगा कर रही है, बहुत परेशान है भाई? वो तो समय आता है, सब कोई कहता है, वो तो फिर भी वोट मोदी जी को ही देंगे। हाँ, हम लोग मोदी बस इसलिए, उनके समय उनके अलावा कोई अच्छा पर समझ में नहीं आ रहा कैंडिडेट। और राहुल गांधी नहीं है कैंडिडेट सर? नहीं, अभी राहुल गांधी नहीं है, राहुल का क्या बोल देते बीच बीच में, कैसे बड़े लोग को जैसे उल्टा सीधा यानी भाषण सही नहीं दे पाते, कहीं कहीं उनका थोड़ा सा जो वक्तव्य है कहीं कहीं गलत भूल जाते हैं, इसकी वजह से मिला जुका। आगे कहने का मतलब है कि वाराणसी मोदी जी को तीसरी बार कोई क्लियर है, हराना नहीं है, जीतना है, क्लियर है। तो आप उनके विकास से खुश हैं? बनारस विकास से खुश है भाई, इतना काम तो बनाए न, यहाँ नहीं बनारस से उन्होंने हर जिले में कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ लोग पहले बोलते भी थे कि अभी लालू जी जैसे बोले थे कि मोदी जी का परिवार नहीं है, तो इस पर आप क्या है? अरे उनकी माता है, परिवार के नहीं है, उनकी माता तो दुनिया में नहीं रहे, माता जी भाई है भाई। और कांग्रेस के वादी से सपोर्ट करेगी भाई, जब गठबंधन करे तो समाजवादी तो सपोर्ट करेगी उनका, जो अगर आज अभी इस बार भाई देखिए माहौल बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी को इसलिए माहौल में हराने वाला कोई नहीं, किसी भी पार्टी का। तो अभी ये बताइए कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, लोग बोलते हैं हाँ हिंदुत्ववादी तो करते ही है, कहते ही है,
पब्लिक से नाराजगी नहीं करते हैं, नहीं नहीं ये तो देश सबका है, देश नेता है, सबका नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, विकास और सबका विश्वास, लेकिन काम हिंदुत्व वाली हो जाता है। वो तो कह रहे हैं आप इसमें सहमत हैं? नहीं, जो जब कह रहे हैं हिंदुत्ववादी तो भाई मुस्लिम को गलत कर रहे हैं। मैंने इस बात से आप भाषा को सपोर्ट नहीं करते, बाकी मोदी जी के काम से काम से खुश है। चलो ठीक है, आप राज तक चैनल पर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, ऑटो चलाते हैं। भैया कितने साल से चलाते हैं बनारस में? 28 साल हो रहा है। 28 साल, 28 साल में और 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के सांसद है और पीएम भी है, क्या विकास हुआ है? विकास तो ओवरब्रिज बना है और मेन मेन पॉइंट पे रोड बना है और क्या बताऊं। अभी तीसरी बार खड़ा हो रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे? भाई सांसद है तो जिसमें करेंगे, अजय राय नहीं हरा पाएंगे तो देखिए, डंडा के ऊपर है। आपकी राय पूछ रहा हूँ ना, आप अपना राय बताइए। और जनता का राय में हम भी हैं। मैं आपका राय क्या है, मोदी जी तीसरी बार सांसद बनेंगे वाराणसी से? हाँ बन जाएंगे, कन्फर्म है। उनको कोई टक्कर नहीं देता आ रहा तक, क्यों? जो जो काम किए अच्छा काम किए ना बनारस में, बनारस यानी आप उनके काम से पूरा खुश हैं एकदम? 28 साल में और 10 साल तो काम किए है मोदी जी प्रधानमंत्री, तो 28 साल में अब तक कितना प्रभाव पड़ा आपको ऊपर? काम तो किए हैं भाई। हाँ काम तो काम अच्छा किया, स्टेडियम बना है, रोड बना है, रिंग रोड बना है, तो बहुत कुछ बना है। आप लोग पेट्रोल गाड़ी सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको महंगाई नहीं दिखती है कि नहीं? नहीं, पेट्रोल तो इतना महंगा है, सरकार को कम करना चाहिए, वोट नहीं देंगे मोदी जी को? देखिए हमारी गाड़ी एवरेज देती है, सीएनजी की है, इसलिए हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसकी नहीं देगी तो उसको प्रभाव पड़ेगा समझे, ये तो पर्सनल हो गया ना, एक यूनियन होता है ना ऑटो वालों का कि नहीं महंगाई तो सब में, यानी मैं पैसे वाला हूँ चलेगा, दूसरा भले मरे भूखे। नाम तो बुलवाएंगे आप, बोलना ही पड़ेगा ना, अभी तो देश की जनता है ना, लोग सुनेगा कि नहीं ऑटो वाला क्या कह रहा है। आप बोलना कि मेरा ओवरेज है, जिसका ओवरेज नहीं हो समझे। देखिए भाई किसी को टारगेट को लेना अच्छी बात नहीं है, सब हमारे हैं, प्रजातंत्र राज्य सबको अधिकार है, सबको मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी पीएम बनेंगे, तो आपको क्या लगता है मोदी जी को पीछे धकेल कर पीएम बन जाएंगे? देखिए ये तो पूरे मोदी जी ने जो जो काम बोले थे, 15 लाख हर एक गरीबों के खाते में, कब बोले थे काला धन आएगा, काला बनने का पहले, बनने का पहले यही वादा किए उन्होंने। ये कहा जो ड्राइवर ऊपर जो लागू किए हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए? हाँ उसके बताइए, आप अपना राय बताइए। ये एडी कहते थे क्या रुपया, कुछ नहीं रुका है, कुछ नहीं रुका है, एडी में डाले है ना। देखिए कहने का मतलब उनका था कि एक्सीडेंट करके जो भाग रहा है उसके ऊपर डबल फाइन लगना चाहिए, उसकी सजा होना चाहिए 10 साल से 15 साल हो जाना चाहिए। तो वो एक्सीडेंट करके नहीं भागता है तब भी मारा जाएगा, यानी दोनों तरफ से एक तरफ खाए एक तरफ खुला है। हाँ बताइए, कहीं वो बट कहीं रोक भी लेता है, कहीं रोक भी लेता है तो पब्लिक उसको मार डालेगी, मारेगी ना बिल्कुल। यदि कहीं वो भाग जाता है तो उसको सजा तो होनी है। अभी आखिरी सवाल हमारा ये है, बोल रहे हैं कि बनारस में बहुत अच्छा अच्छा रोड बन गया है, स्मार्ट सिटी इसको दर्जा दिया गया था, तो अभी स्मार्ट सिटी लग रहा है बनारस आपको? अपना नाम बताइए। नवीन हीरानी। कितना साल से बनारस में रिक्शा चला रहे हैं? 1998 से। अभी 1998 से आप चला रहे हैं, 10 साल से यहाँ से प्रधानमंत्री जी मोदी जी सांसद है, कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है आपके नजर में? हमारे नजर में 60% विकास हुआ है एकदम से। तो अभी तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, कन्फर्म है मोदी जी का?
कोनो है ये नहीं आ जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से लड़ेंगे तो क्या हाल रहेगा? देखिए उनके सामने देखिए एक जने से कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, अजय राय का बहुत अच्छा है, हिसाब किताब है, वो भी पब्लिक को बहुत ज्यादा ध्यान रखे, लेकिन एक अकेले इंसान को कुछ नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन है ना, गठबंधन है लेकिन इन्हीं का ही चलेगा, वही इन्हीं का ज्यादा है। मोदी जी यानी मोदी जी को हराना नामुमकिन नहीं, आसान नहीं इतना, आसान नहीं। तो आप इतने साल से रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा मालिक हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि महंगाई चरम पर है? महंगाई तो बहुत है। तो फिर मोदी जी जीतेंगे? विकास को लेके जीतेंगे, महंगाई है लेकिन विकास है। तो आप मैंने आप इतने साल से बना रहे थे, कहने का मतलब कि हम मोदी जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं 10 साल में, बहुत बढ़िया काम किए। और हमारा अगला सवाल ये है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं, जनता चुनती क्यों नहीं अभी तक उनको? उनका कोनो काम नहीं दिखता है, कांग्रेस का काम नहीं दिखता है। कहाँ दिखा, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, एक बार भी यूपी का चक्कर नहीं हुआ मनमोहन सिंह का। हाँ, और 10 साल में ये मोदी जी के देख लीजिए। तो अभी 10 साल पूरा होना होने जा रहा है, तो 10 नंबर में कितना नंबर देंगे मोदी सरकार को? 10 में उस समय तो 10 नंबर आई है उनके, मैंने आपके जाने के सामने देखिए पूरा 100%। योगी जी के कार्यकाल से कितना खुश है? योगी उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी है वो योगी जी के नंबर वन। आपका मतलब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था कभी? नहीं, बोलते हैं की जात पात बहुत ज्यादा करते हैं, यानी बड़ी जात वालों को देखते हैं, पिछड़े तो नहीं अल्पसंख्यक को पूछते नहीं है, सबको एक समान देखते हैं। बोलते हैं की गुंडे माफिया भी टारगेट करते हैं जात देख के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोनो गुंडागर्दी न हो। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है योगी जी का, कार्यकाल अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ये बताया कि 5 किलो राशन में एक ही चीज की यहाँ पे दिक्कत है, जो महंगाई जो बढ़ गया है उससे जो है नीचे तबके का आदमी जो है परेशान हो गया। जैसे कम से कम खाने पीने की वस्तु तो कम होना चाहिए, जब आटा हो गया 35-36 रुपए किलो, आदमी कितना खाएगा? बिल्कुल, एक तो आदमी जो मजदूरी करता है, मान लीजिए उसके घर में 4 बच्चे हो और बूढ़े माँ बाप हो, मीना बेबी हो, तो कैसे घर चलाएंगे? तो 500 रुपए की दिहाड़ी, 500 रुपए तो खाली राशन में चल जाता है, बच्चों का भविष्य क्या होगा? खाली महंगाई के हिसाब से महंगाई है लेकिन विकास हुआ है पर। हाँ, विकास है, दिख रहा है, रोड चलने लायक, भागने लायक, दौड़ने लायक हो गया। अच्छा, देखने लायक मार्केट नहीं थी, आज मार्केट हो गई है, लाइटिंग वगैरह सुविधा हो गई है, बिजली पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। आपको 5 किलो राशन मिलता है? हाँ मिलता है। बोलते हैं लोग कि बेरोजगारी है इतना, इसीलिए देखे 5 किलो राशन जनता को गुमराह करके वोट ले रहे हैं लोग। देखिए 5 किलो से होता क्या है, कुछ नहीं होता है। अब पूरे महीने में दे रहे हैं कि एक आदमी को जैसे 2 किलो आटा दिया, पूरे महीने में वो 2 किलो आटा थोड़ी खाएगा तो ज्यादा ही ना। तो फिर 5 किलो राशन देंगे तो बाकी सब्जी दाल का पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा, महंगाई के हिसाब से ठीक है, महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन फिर भी मोदी ही आएंगे। मोदी कितना भी महंगाई हो, आप ठीक है। और अगला आखिरी सवाल, मान लीजिए अजय राय अगर एक सीट जीत भी जाते हैं यहाँ से, वो अपने बल पे जीत जाते, जैसे उनकी लोकप्रियता अच्छी है यहाँ पे अजय राय जी की, तो जीत भी जाते हैं यहाँ से, अकेला इंसान क्या करेगा, वैसे ही दब जाएगा। मैंने आपके कॉलेज में लगा अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मोदी जी का बना निकाल भी लेंगे तो सरकार नहीं बनेगी, कौन पाएंगे, कहने का मतलब ये है कि बनारस अगर जीत दे रहा है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं, तो कुछ करेगी नहीं हो पाएगा ना।
तो उनका निधि का तो पैसा आएगा ना, निधिया के पैसों से विकास कर सकते हो। जितना उनका निधि के हिसाब से जो पैसा आएगा उसे क्या विकास हो पाएगा, क्या वो लोगों को दिखा पाएंगे? यानी कहने का मतलब आपका है कि विकास चाहिए तो सरकार को रहना पड़ेगा, सरकार में रहना पड़ेगा, सरकार में तभी विकास होगा, नहीं तो निधि से क्या कर पाएंगे। चलो ठीक है, आज तक न्यूज चैनल के समय पे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बता दें कि बनारस में ऑटो रिक्शा वाले हैं जो 28 साल से चला रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए आज तक न्यूज चैनल।